टूट जाएगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई नाटक नहीं हो रहा, जो भी हो रहा सब रियलिटी है, ठीक है? हम पागल नहीं है जो इस तरह कपड़ा निकाल करके इसमें रखेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, इट्स आपको एडीआर ब्लॉग। सो गाइस, सुबह हो चुका है, आप लोगों को प्यारा भरा गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग बोल दो? गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग इंडिया, एको था ना डायलॉग। हाँ, तो गाइस नाश्ता भी कर लिए और आप लोग भी कर ही लिए होंगे आई होप। तो जो हम कल कलर ये स्टोन सबको पेंट किए थे ना, जो हम दामोदर रिवर से लाए थे, ये देखिए कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है। आप लोगों को दिखाते हैं फ्रंट करके। सबसे बेस्ट आप लोगों को कौन सा स्टोन इसमें से लगा हमको जरूर बताइएगा। छोटा वो सब है ना, पापा को सबसे अच्छा ये वाला लगा है। कौन है? ये वाला। तुमको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? वो वाला ना, ये वो ब्लू के बगल में, ये ब्लू के उधर उधर, ये ना ना, हाँ वो, हाँ हमको ये भी अच्छा लग रहा है, ये हमको बहुत पसंद आया, सब अच्छा है। गाइस आप लोग देखिए कहीं कितना मस्त शेप है इसका, एक्वेरियम जैसा, उसका पत्थर है छोटा छोटा, ये देखिए। तो कलर छूटेगा नहीं इसका? नहीं नहीं छूटेगा इसका कलर, तो इसको डाल देंगे थोड़ा सा धूप लगने के लिए, यहाँ पे रख दिए। किसी किसी में दो दो साइड का कलर होगा, हाँ हम कर दिए किसी किसी में दो दो साइड। तो चलिए इसको सूखने देते, इसमें गोल्डन किए थे बट वो छूट रहा था, तो उसको पूरा हल्का कर दिया हम, है ना। अच्छा, गोल्डन वाला बस छूट रहा है ना? हाँ गोल्डन वाला बस छूट रहा है, हमको तो सबसे प्यारा पता है क्या लग रहा है, फिर एक दफा रेड और ग्रीन। हाँ अच्छा, इतना मेहनत करती है अपने मछली के लिए, बोलती है मेरा मछली हमको बहुत प्यारा है। हाँ हम सोचे भी थे कि एक तो फिश का पेयर लाएंगे, बड़ा वाला फिश का, क्योंकि अभी मतलब कि गोल्डी वगैरह जो भी है वो सब अभी छोटा छोटा है, तो पिछले साल लाए थे लेकिन बहुत बड़ा हो गया है। गए हम ना दोनों कान में इयरिंग पहनते थे, इधर भी इधर भी, पर एक अभी मिला है तो ये पहन रहे, कांछा शादी के बाद हटा दी थी तो फिर से पहनना शुरू कर दिया। खरीदेंगे सोना का एक छोटा सा, इस तरह इस बनाएंगे और इस तरह बनाएंगे। आप लोग बताइए कि पहनना अच्छा लगता है या नहीं लगता, जो लड़का देख रहा है वो जरूर कमेंट करे। गला में पहनो, हाथ में पहनो, यार शौक होता है ना, हम समझते हैं शौक होता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आप लोगों से घर के। यहाँ पे बंदर आया था, वो काला मुंह वाला बंदर। वीडियो नहीं ली थी? नहीं हम किचन में थे, मम्मी बुलाई तो हम आके देखे। यहाँ से कटहल के कटहल का पेड़ में चढ़ गया था, सादा वाला थर्मोकोल से पीछे वाला कटहल का पेड़ पे चढ़ा, उसके बाद गायब हो गया। काला मुंह वाला बड़ा बंदर, बड़ा पूंछी था उसका, हमको लग रहा है अभी भी उधर है, पूरा पेड़ हिल रहा है, लग रहा है पेड़ उसी लिए हिल रहा है। तो चले अंचा का मतलब रूम का हालत क्या करके रखी है, क्या इसका टेडी का टेडी तो रखा हुआ, तू भी फाड़ दिया मेरा टेडी, मेरा टेडी गाइस इसका टेडी का देखिए पूरा फट गया है। तो ये देखिए इसका टेडी का हाल क्या हो चुका है, ये भी गंदा हो गया, इसको भी साफ करो बाबू बहुत जल्दी। लाल वाला। हाँ तो करेंगे, तो इस करने से नहीं। देखिए इसको इसको साफ किया तो कितना अच्छा लग रहा है, पिंक एकदम। ओह तो चलिए कांचा को घर समेटने से फिर आप लोगों से मिलते। ओह नो, चलो ठीक है मुझे थोड़ा काम है, मैं बाहर से आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ मोमो? सर्दी सर्दी सा लग रहा है, इसीलिए हम नहीं नहाए गए, नहीं तो हम ना सर्दी 12 महीना रहता है, 12 पता है। और आप लोग को क्या लाता होगा कि ये क्या है अलमारी में, है ना? तो इसमें एक शीशा था तो फूट, हाँ जो हम दोनों का झगड़ा हुआ था तो गुस्सा से उसको फोड़ दिया। मेरे में तो इतना ताकत नहीं है कि हम शीशा फोड़ देंगे, शीशा फोड़ने वाला यही ताकतवर है। अरे तो फूट गया तो 600 में लग जाएगा, तो उसको नहीं लगवा रहे, अभी सोच रहे इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको भेज के थोड़ा बड़ा लेंगे, इसको हम लोग अपने गांव भेज देंगे और नया ले लेंगे, तब तक के लिए जब तक काम दे रहा है तब तक ठीक है ना। हाँ तो गाइस हमको थोड़ा दही लाने जाना है और आइसक्रीम, और क्या बस ये दोनों लेते हैं, दही और आइसक्रीम लेके आना, कुरकुरे लेके आना है। तो चलिए आते हैं बाहर से फिर आप लोगों से मिलते हैं गाइस। क्या आते ही यहाँ पे थोड़ा सा इसको कुछ तो मिला नहीं, कुरकुरे बस ला दिए इसको, है ना। और आते ही मम्मी पापा का कांचा का मम्मी बोलते, तो कांचा का और पापा का झगड़ा हो रहा है, पापा इधर लेकर झगड़ा नहीं हो रहा, बहस हो रहा है ना, ऐसे होते ही रहता है। कांचा का मम्मी पूरी हो गई है, तो हम इनको मम्मी अगर ये मेरा मम्मी तगड़ा है, भी बुढ़ा गया है, फिर भी दोनों ये अपना अपना मम्मी को मतलब बोलती, इसकी मम्मी वो बुढ़ी, उसकी मम्मी वो बुढ़ी है ना। मम्मी जितना काम कर देगा उतना मम्मी तरह काम कर सकेगी,
पंगा तुमसे है? हमसे पंगा रे। हम कुरकुरे खिला दे रहे हैं, अकेले नहीं खा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा। आप लोग कमेंट कीजिएगा सारे करके। कौन? मामी आजा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। चल था आ गया है कुरकुरे, तुम इसको मत देना, मसाला रहता है। वीडियो कैसे बंद होगा बोलो जल्दी। सो गाइस, अभी हम अमर पे एक प्रैंक करने जा रहे हैं। आप लोग देखे जैसा कि वो बाहर कुछ लाने गए थे तो कुरकुरे ला करके दिए, तो हम खा लिए। हम सब कुछ एकदम नॉर्मल जैसा एक्टिंग किए हैं। अभी वो बाहर जाएंगे, दही लाने गए हैं। हमको नहीं पता मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आफ्टरनून हो गया है। तो चलिए अपना प्रैंक को हम कंटिन्यू करते, वो आते और देखते उनका रिएक्शन। और फैमिली को भी हम अच्छे से समझा दिए कि क्या करना नहीं करना, तो आते ही होंगे। तो चलिए हम अपने काम पर लग जाते हैं। आप लोग बस देखिए कि क्या। मिल गया क्या? दही रख दो। ये क्या कर रहे हैं तुम? क्या कर रही है? कुछ नहीं, थोड़ा पैकिंग कर रहे। बोलो मैक्स क्या कर रहा है? मैक्स तो जहाँ मन वहाँ खेलता है। पर हम आलू का सब्जी नहीं खाएंगे, हम करेला। अच्छा, दही और करेला। ओह माय गॉड। हाँ। दही करेला खा सकते हैं ना? तो हमको घी दे देना, भात दे देना और कुछ और दही। करेला रात को खाएंगे, ताकि मामी के घर से हम करेला का सब्जी और दही ले आए। ठीक है ठीक है ठीक है। बाहर दही नहीं मिला? बाहर कहाँ गया, तो खाली कुरकुरे नहीं मिला। ठीक है, हम आते हैं इसको रख के। क्या हुआ तेरा बाबा? क्या हो गया? क्यों इरिटेट कर रहा है? क्या बात है? मम्मी पापा बोल रहे तुम पैक कर रही है। तो बोल रहे तो सही बोल रहे ना, सामने नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, क्यों पैक कर रही है? पैकिंग किस लिए होता है? किस लिए होता? पंखा क्या बंद है ये बता। क्यों नहीं बंद रहेगा? इंसान को जब गर्मी लगेगा तभी पंखा चालू रहेगा। खोल दो यार, बहुत ज्यादा लाइट आता है। कहाँ पैक कर रही है? क्यों नहीं करेंगे भाई, सोच रहे हैं। सबको इतना कमेंट करता है कि जाइए थोड़ा मिलिए अपने फैमिली से, तो सोचता है चलो। तुमको मन कर रहा है? अब मन कर रहा हो चाहे जो भी हो, बोलो क्या हुआ? नहीं जाए? जाओ, हम कौन होते तुमको रोकने वाले? कोई होते है? तो फिर माँ बाप पे कोई रोक नहीं सकता है, सकता है? कोई क्या बात है? कुछ तो छुपा रही है तुम। हमको मम्मी पापा बोला कि कहाँ जा रहा, पूछो जाके। क्यों छुपाएंगे भला, सब कुछ सामने है तो छुपा के क्या करना? बोलो जा रहे, बस रहो तुम आराम से। 10-15 दिन आते हैं हम। कहाँ आते हैं? हमको तो तुम 1 घंटे के लिए बाहर नहीं जाने देते यार, आते हैं। कहाँ ऐसा करते हैं? हम जानते हैं कि इसी चीज से तुमको गुस्सा आता है, तो चलो इसीलिए हम जा रहे हैं। थोड़ा रह के आते हैं, तुम भी थोड़ा सा अपना मजा उठाना, आराम करना, घूमना, बाहर घूमना फिरना थोड़ा। हम भी घूम फिर के आएंगे, है ना? थोड़ा सा टूट जाएगा। कहाँ जा रही है? पागल हो गया है क्या? मेरा कल से एग्जाम है, कल से नहीं परसों से, सॉरी। तो एग्जाम तुम अपने हाथ से लेते हो तो मेरे हाथ से? तो तुम खाना बना के देगी? और तुम अभी जो जा रही हो तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको एक्सेप्ट करेंगे? तो तुम जा रहे हो, उससे क्या दिक्कत है? एक्सेप्ट करे चाहे ना करे, उल्लू मत बना, ठीक है ना? उल्लू क्यों बनाएंगे हम? हम पागल है क्या जो तुमको उल्लू बनाएंगे? मतलब इतना गर्मी में हम पैकिंग कर रहे, तो हमको पागल पन चढ़ रहा है क्या? जा रहे बस, तुम बोला ना कि सबको कमेंट करते हैं तो बस जा रहे। सबको कमेंट करते वो भी जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइब, वो भी जानते हैं कि नहीं जान, तुम नहीं जा सकती और कोई घर वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा तुमको ना। हमको क्या हो गया? हमको तो गर्व नहीं करेगा, ये तो अच्छा तरह से हम जानते हैं। चलो चलो, नाटक की छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कोई नाटक नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है सब रियलिटी है, ठीक है? हम पागल नहीं है जो दूसरे कपड़ा निकाल करके इसमें रखेंगे, सब समेटेंगे और फिर सब जाएंगे, समझा? अभी हमको अपना मेकअप भी रखना है, मेरे पास बहुत काम है, हमको बहुत सारा चीज पैक करना है यार। अभी तो तुम ठीक थी पूरा मस्ती से। ठीक नहीं थे वो, हम ठीक होकर के भी नहीं ठीक थे। चलो तुम ठीक थी, हमसे रोलबाजी कर रही है। कुछ नहीं, हम क्यों करेंगे, जो है रियलिटी है, नाटक क्या करना।
सच सच बोल, सच बोल रहा है। चलो चलो हमको काम करने दो अपना, तुम फालतू मेरे टाइम वेस्ट कर रहा, करके थोड़ा सा दे दो ऊपर, लाओ लाओ ऊपर, कैसे टूट जाएगा, दो टूट ही गया, पटक दिया। छोड़ो हम कर लेंगे, तुमसे पहले से करना बेकार है, कोई काम सही से करने देता ही नहीं है, सब काम में बीच में बाधा डालते हो। चलो क्या हो गया, तो तुमको तो हम सब चीज बता दिए ना, अब जाने में क्या दिक्कत है, वहाँ क्यों जाना जहाँ तुम्हारा इज्जत ही नहीं है। क्या हुआ, रिस्पेक्ट नहीं है तो हमसे बड़े हो, तो क्या हम नहीं झुकेंगे वही लोग झुको। अच्छा बात है, कम से कम एक बार भी तो, इतना साल का तेरा 1.5 साल होने वाला, एक बार फोन करके भी पूछा। अच्छा बात है, कोई एक बार की बेटी जिंदा है की मुर्दा है कभी पूछा। तो लड़ाई होना चाहता है क्या? लड़ाई तो तुम स्टार्ट कर रही है, किधर से हम झगड़ा किए। चलो ठीक, चलो ठीक, हंसी आ जाता, पता था तुम सब झगड़ा करते तो हमको ज्यादा हंसी आ जाता, तुम हंसता भी है। हो गया, रोलबाजी मत करो, छोड़ो छोड़ो, बहुत गर्मी लग रहा है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, और अभी नहीं तो ये रहेगा ना, हम जा रहे, टोली नहीं रहेगा, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, टोली छोड़ो, नहीं तो हम लेके जा रहे हैं, अब कैसे जाएगी, तुम जा, तुम वापस करोगे कि नहीं, रोलबाजी है ना ये सब है। दो मेरे सामान वापस करो, सो गाइस हम सोचे थे कि उसको पता नहीं चलेगा, बता दिया पापा हमको। हाँ ठीक है, तो गाइस मतलब हमको ना तुमसे पहले पता चल गया था कि तुम हम पर प्रैंक कर रही थी, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि तुम जेबे नहीं करेगी, जहाँ तुमको इतना नफरत मिला वहाँ तुम कभी नहीं जाएगी, तुम खुद बोल। अच्छा बात है, लेकिन हम सोचे थे कि अगर हम ऐसा बोलेंगे ऐसा करेंगे तो हो सकता है इसको बिलीव हो जाए कि हाँ ऐसा क्यों कर रही है। सबसे बड़ा शक हमको पापा पे हो गया, क्या जब पापा हमको छोड़ के तुमको डांटने लगे। हम किसी को नहीं डांटते, ये तो मेरा बेटी है, बेटी ये मानते है, लेकिन घर में दोनों परिवार अपना खाए पिए सोच करे, तो मेरा प्लान टोटली रॉन्ग हो गया, हम सोचे थे कि झगड़ा बहुत ज्यादा होगा, हमको एक समय लगा, फिर जब रोल देने लगे तो हम समझ गए हमसे बड़ा रोलबाज। तो हम सोचे थे कि बहुत ज्यादा मस्त वाला होगा प्रैंक, मतलब थोड़ा ज्यादा और देर तक चलेगा, लेकिन इसको तुरंत ही पता चल गया, पता नहीं कैसे कैसे पता चल गया, पता है हम पंखा जब बंद की ना तभी हम समझ गए कहीं तुम कैमरा लगाई, क्योंकि गाइस पंखा में कैमरा का साउंड अच्छा से नहीं आता है। आप पंखा चालू रखेंगे? हाँ, तो अब पता चल जाएगा कि प्रैंक करने वाली है क्या। ठीक है, मेरा प्रैंक थोड़ा और देर कंटिन्यू होता तो हमको अच्छा लगता। अचानक से क्या हुआ, कभी तो मतलब आज भी एक बार जिंदगी में फोन आता तो चलो हाँ जाने का मन है, न कभी बात हुआ ना कभी कुछ हुआ, और बोल रही कि हम जा रहे हैं, जा रहे मतलब क्या 10 दिन जा रहे फिर आ जाएंगे घूम फिर के। तो चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे। ब्लॉग कहाँ था, ये प्रैंक था, प्रैंक था लेकिन अच्छा नहीं हुआ हमको, और ज्यादा इसको लेना था, लेकिन ये तुरंत ही पता नहीं कैसे इसको तुरंत ही पता चल गया। चलिए गाइस बाय। पापा तब से खाने बैठे हैं और मम्मी और कंट्रोवर्सी चल रहा है, मम्मी और आकांक्षा एक साइड, पापा अकेले एक साइड है ना।